आपस दे विच वो भी जिवें चक्रवर्ती सी जिस की डैथ हुई है तो ये भी उत्थे गुरद्वारा साहब के नेड़े इकट्ठे रहिंदे सी किसी गल तो तकरार होने के कारण इन्होंने मतलब कि आप किरती दे नाल हमला करके उसका कतल कर दिया। गुरद्वारा बवान तो महादियां वाल नूं जा रहा सी जिथे पुलिस पार्टी ने इंस्पैक्टर SHO साहब ने गिरफ्तार किया। ये बंदा निहंग सिंह दे बाणे चा जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल उत्तराखंड का रहने वाला। मिति 12/9/2022 अतलाह मिली के एक लंबू दिल्ली नाम के व्यक्ति नूं उसदे निहंग साथी ने भी कतल कर दिता, जिस तों बाद मानयोग SSP फतेहगढ़ साहब डॉक्टर रवजोत गरेवाल के दिशा निर्देशों हेठ अते SP इन्वेस्टिगेशन दीआं हदायतां मुताबक SHO मानप्रीत सिंह इंस्पैक्टर फतेहगढ़ साहब ने मौका पर जाके पड़ताल करके मुकदमा नंबर 159 मिति 12/9/2022 दर्ज रजिस्टर किया। उस तो बाद 8 घंटे के विच ही दोषी की भाल करके दोषी दीप सिंह एलिस दीपू साना बलवंत सिंह वासी बाजपुर उत्तराखंड नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दोषी का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। उस तो बाद अगली पुछगिछ करके कानून मुताबक अगली कार्रवाई अमल में लिया जा रही है। ये बवान गुरद्वारा बवान तो महादियां वाल नूं जा रहा सी जिथे पुलिस पार्टी ने इंस्पैक्टर SHO साहब ने गिरफ्तार किया। ये बंदा निहंग सिंह दे बाणे चा जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल उत्तराखंड का रहने वाला। ये आपस दे विच वो भी जिवें चक्रवर्ती सी जिस की डैथ हुई है तो ये भी उत्थे गुरद्वारा साहब के नेड़े इकट्ठे रहिंदे सी किसी गल तो तकरार होने के कारण इन्होंने मतलब कि आप किरती दे नाल हमला करके उसका कतल कर दिया।